सॉरी सॉरी यार, लेट हो गया, सॉरी 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 सॉरी। आज लेट होगा कि रोज की तरह आज भी लेट हो गया। 8:45 से स्कूल चालू हो जाता है, 9 बजे तो यहाँ आ रहा है, अब हम यहाँ से निकलेंगे तो स्कूल कब पहुँचेंगे? साले को रोज का नाटक हो गया तेरा ये। 10 दिन में वैसे मिड टर्म एग्जाम चालू होने वाले हैं, और जिनके अटेंडेंस 75% से कम है ना, उनको एग्जाम में नहीं बैठने दिया जाएगा इस बार। तो खड़े होके लिख लेंगे ना यार। तो ठीक है ना, क्या दिक्कत है? क्या दिक्कत है साले, 5% अटेंडेंस है मेरी। घर वालों का शक है, लड़का रोज घर से स्कूल जाने के लिए निकलता है लेकिन जाता कहाँ है? इतनी कम है तो साले तू क्या बता रहा, तेरे खुद 4% है। वो क्लास टीचर वैसे हमारे पीछे पड़ी है, इस बार पक्का हमको फेल करके मानेगी। नहीं बे, इतनी बुरी भी नहीं है। हाँ साले तेरे लिए तो अच्छी होंगी, उनके सब्जेक्ट में 20 में से 20 नंबर छुपा रहा है, और मेरे तो ये समझ में नहीं आ रहा है तू 20 में से 20 पा कैसे रहा है। हाँ तो भाई फ्यूचर के लिए अब सीरियस हो गया हूँ मैं। अच्छा सीरियस हो गया। यस। साइंस में कितने हैं तेरे? साइंस 2। इंग्लिश में? इंग्लिश 2। हिंदी में? हिंदी में ज़्यादा थे, 2.5। ये सीरियस है? तो भाई मैथ्स का स्टूडेंट हूँ मैं। अच्छा मैथ्स का स्टूडेंट। यस। 8 की टेबल सुना दे चल। फर्स्ट पीरियड ऑलमोस्ट ओवर हो गया होगा तो साले अब खड़ा क्या, चल जल्दी। अरे सुन, मैं सोच रहा हूँ अटेंडेंस भी हो गई होगी, पीरियड भी खत्म होने को आएगा, चलना आज बंक मारते हैं। तू पागल हो गया क्या बे? साले घर वालों को वैसे शक हो रखा है, अगर फंस गए ना तो लग जाएंगे। अभी चलना यार, बहुत मजा आएगा। तू मरवाएगा और कुछ नहीं। अभी चल चलते चल 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 चल। अबे कुछ ही बोल, बंक मारने मजा बहुत आ रहा है बे। सही बोल रहा है यार, अंदर से ना ऐसे प्राउड वाली फीलिंग आ रही, जैसे पता नहीं कौन सा बड़ा काम कर रहे हो। अब यार अब बंक तो कर लीजिए, लेकिन अब करें क्या? एक काम करते हैं, मोदी क्या चाय पी के आते हैं। चल। सरकार गिर गई क्या? अभी मैं राजू मोदी की बात कर रहा हूँ बे। अच्छा चल। सॉरी भाई सॉरी। अबे ये रोहित है। और भाई क्या? अरे और मत कर, इसको मैंने शीला की कोचिंग के बारे 1 महीने पहले मारा था। क्यों मारा था? अभी ये श्रेया के सामने लाइन मारा था, तो उस दिन उसके सामने होशियारी मारने के चक्कर में उसको 10 सैंडल नहीं, उस दिन जूता पहना था, श्रेया आई थी ना तो 10 जूते मार दिया था। अंश तू साले आज तू मिले गया, इतने दिनों से ढूंढ रहा था तुझे, रुक तुझे बताता हूँ। अबे तू डर क्यों रहा है, तेरा भाई खड़ा है यहाँ पे, ये साले आज करके छर्रे अपने आप को गुंडा समझने लगे हैं। अभी 2 मिनट रुक, साले को अभी गांड मारता हूँ इसकी। क्यों बे? साले आया हुआ चुपके, अभी कुछ नहीं करते बे, साले कुछ नहीं समझते अपन को। भोसड़ी बैड मैनर्स, गलत बात, लड़ाई नहीं करनी चाहिए। क्यों करते हो लड़ाई? ये मैनर्स सिखाते हैं घर वाले आपको, नहीं सिखाते ना, लड़ाई नहीं करनी चाहिए। 5 सालों को सुन, तुम दोनों उधर जाओ, मैं उधर जाता हूँ, और सुनो जैसे मिले मुझे बताना। ये कहाँ आ गए बे? तेरी याददाश्त चली गई? पत्थर लगने से याददाश्त जा सकती है तो पत्थर लगने से आ भी तो सकती है। कहाँ गए यार? चलो ये अंकल से पूछते हैं। 78, 77। अरे अंकल, आपने यहाँ 2 लड़कों को देखा है क्या? दोनों स्कूल ड्रेस पे थे और एक ने टोपी भी लगाई थी। Which type of color dress they were wear? सफेद शर्ट और ब्लैक पैंट में थे। White shirt, black pant. Oh my God, my kind of school dress. हैं? That's my school of children. They roam here and there. Let's catch them. Come on, follow me on Instagram. हैं? मेरा मतलब है उनको चल के ढूंढते हैं। भैया अरे अंकल, आपने 2 लड़कों को देखा क्या? दोनों ने स्कूल ड्रेस पहनी थी और एक ने टोपी भी लगाई थी। देखा तो नहीं है, अगर देखना जरूर चाहता हूँ। चलो आओ ढूंढते हैं। हाँ हाँ चलो चलो अंकल, जल्दी चलो जल्दी जल्दी चलो जल्दी जल्दी।
बेटा तुम तो बैठ ही गए। चलो बैठ गए हो तो आगे 100 का तेल ही डलवा देना, मैं तो पैदल चलने की बात कर रहा था। भाई मुझे लगा तेरी याददाश्त चली गई, इसीलिए मार दिया पत्थर। ये सब हटा, अब ये बता यहाँ से बच के कैसे निकले। एक काम करते हैं कि यूनिवर्सिटी वाली रोड पकड़ते हैं, सीधा निकल जाते हैं। वैसे ही आगे के रोड में कोई आता जाता नहीं, खाली रहता है। चलते 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 चल चल। रुकना, अब यार मुझे डर लग रहा है, फिर से गुंडे पीछे पड़ गए तो। अभी कुछ नहीं होगा, तू चल। चल। फिजिकल एजुकेशन प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन आवर डेली लाइफ एंड डेली लाइफ हेल्प्स इन बीइंग अलाइव। यस। ओह माय गॉड, दैट इज माय काइंड ऑफ स्कूल चिल्ड्रन, लेट्स होल्ड देम। बेटी चोदो। हेलो, क्या मिल गए? अरे मैं भी तो पास में ही हूँ, रुक तू, मैं 2 मिनट में आ रहा हूँ, पकड़ के रख उसको। अरे रुको, मुझे भी साथ लेते चलो, मुझे भी देखना है। अरे आपके चक्कर में दोबारा निकल जाएंगे, और आप इस कटार को बेच के ना एक सेकंड हैंड साइकिल ले लीजिए, कम से कम चलेगी तो ठीक। अरे व्हाट डू यू चिल्ड्रन डूइंग हियर? सर वो ओनली इंग्लिश टॉकिंग टू मी, नो हिंदी अलाउड। It could rather be not allowed to going home because Gunda boss caught us not coming to school, fighting and beating us. So lockdown is important. That's all right. But still, what are you doing here? It is so much time happening. You have to go home and work from home. Today is holiday of school because principal sir mar gaya sala. Chutti hai. You should go home and be safe. Ye ho toh fail diye. Guys, why are you fighting? Stop it! Stop it! If you get bleed, no ambulance in school. Hey, you don't fight. Don't fight. Hey, no WWE, no point you will get. Okay, I'm referee. Oh, pinfall. Come on, come. You didn't miss. Hey, 1, 2, 3. Hey, you win. Stand up. Motherfucker, stand up. Come here. Bad boy. Hey children, stop. Your fight is over. He won with 3 extra points. साले अंश, मिल गया, बहुत दबाया तूने। अब कहाँ फंस के जाएगा साले? अरे देखे रखे बोसत फोड़ दे। माय डॉटर रोहित, पापा व्हाट आर यू डूइंग हियर? पापा ये शीला मैम की, सर मैं शीला मैम की कोचिंग जाता हूँ इसीलिए मुझे मार रहा है। पापा ये झूठ बोल रहा है, इसने मुझे शीला मैम की कोचिंग के बाहर श्रेया के सामने स्टाइल मारने के लिए मारा था चप्पलों से। भाई उस दिन चप्पल नहीं जूता पहन के आया था, श्रेया आई थी ना। हाँ जूतों से ही मारा था, और उसके बाद से मिल नहीं रहा मुझे, इसने अपनी कोचिंग जाने का टाइम भी चेंज कर लिया। लेकिन आज मिला है मुझे साथ में, अब मैं इसे नहीं जाने दूंगा। एक मिनट। तू शीला मैम के कोचिंग जाता है? झूठ क्यों बोलो मेरे से भाई? वो आज किसे कोचिंग बुलाऊं अपने? अरे अंश बेटा इधर आना जरा, हर्ष तुम भी आओ ना। नहीं मैम मैं कोचिंग नहीं आऊंगा, मैंने कल से कोचिंग बुलाना चाहिए। बाय बाय मैम। हाँ बेटा तुम आओ। यस मैम। बेटा मेरे कोचिंग आ रहे हो ना तुम? मैम मैं सेल्फ स्टडी कर लेता। श्रेया भी आती है वैसे कोचिंग। मैं आऊंगा डेली आऊंगा। गुड बाय, तो आज से कोचिंग आना चालू कर दो और एडवांस पहले दे देना, और वो हर्ष को भी साथ में लेके आओ ना कोचिंग। मैम वो सेल्फ स्टडी कर लेता है। तो कुछ करो उसे, फोर्स करो, कोचिंग बुलाओ उसे। और हाँ तुम मेरे कोचिंग आते हो ये बात किसी को मत बताना, और हर्ष को भी मत बताना, क्योंकि अगर तुम उसको बताओगे तो वो तुमसे पेपर पूछेंगे। और ये बताओ कोचिंग तुम मेरे आते हो तो पेपर तुमको पता होना चाहिए कि उनको पता होना चाहिए? अगर उनको जाना तो वो भी कोचिंग आए मेरे।
नहीं भे, इतनी बुरी भी नहीं है। हाँ साले तेरे लिए तो अच्छी होंगी, उनके सब्जेक्ट में 20 में से 20 नंबर छुपा रहा है, और मेरे तो ये समझ में नहीं आ रहा है तो 20 में से 20 पा कैसे रहा है। मैम दिस ब्लैक शूट शूट यू। अरे बेटा इधर आना जरा। सर कैन यू प्लीज लीव अस? व्हाट, गेट द फक आउट ऑफ हियर। या मैम एग्जैक्टली, यस सो प्लीज। यस मैम। बेटा हर्ष कोचिंग क्यों नहीं आ रहा मेरे? मैम मैंने उसको बोला लेकिन वो बोलता है मैं सेल्फ स्टडी कर लूंगा। सुनो आज के बाद तुम उसे रोज स्कूल लेट लेके आओगे, जब इसकी अटेंडेंस 75% से कम हो जाएगी तो वैसे भी इसे एग्जाम में नहीं बैठने दिया जाएगा, तब मेरे पास गिड़गिड़ाता हुआ आएगा, फिर मैं उसे अपनी कोचिंग बुलाऊंगी। मैम पर वो मेरा दोस्त है। सोच रहे अब कोचिंग में पेपर बताना बंद कर दूं? भाड़ में गई ऐसी दोस्ती मैम। गुड, आज लेट होगा कि रोज की तरह आज भी लेट होगा। साले 5% अटेंडेंस है मेरी। साले तू मुझे बता नहीं सकता तो शीला कोचिंग जाता है और वो तुझे पेपर बताती है। पेपर बताती हूँ नहीं, पेपर बताती थी, आज के बाद नहीं बता पाऊंगी। क्यों मैम क्या हुआ? किसी ने मेरी कंप्लेन कर दी प्रिंसिपल सर से कि मैं पेपर बताती हूँ कोचिंग में, तो प्रिंसिपल सर ने बोला कि आपको शर्म आनी चाहिए ऐसा काम करते हुए, अब आपकी स्कूल में कोई जरूरत नहीं है, यू कैन लीव। या फिर कुछ ले दे के काम हो जाए तो मैं अपने स्वाभिमान को ऐसे ए फक ऑफ। जा रही ना, गाली क्यों दे रहे हो? फिकर नॉट मैम, दिस टाइम आई एम हियर। हरामजादे तेरी वजह से नौकरी चली गई है मेरी। ये आप क्या कह रही है मैम? एक तो आपकी वजह से मैंने प्रिंसिपल सर को निपटा दिया। पूरा बोल क्या हुआ था? मैं बताती हूँ क्या हुआ था। ये साला आपको शर्म आनी चाहिए ऐसा काम करते हुए, अब आपकी स्कूल में कोई जरूरत नहीं है, यू कैन लीव। या फिर कुछ ले दे के काम हो जाए तो मैं अपने स्वाभिमान को ऐसे ए फक ऑफ। जाने में गाली क्यों दे रहे हो? लेकिन मैम मैं आपको किसी और के साथ नहीं देख सकता। पर मैं अपने आप को सबके साथ देख सकती हूँ, आई एम वेरी फ्रेंडली। अच्छा खासा देने गई मिलने गई थी, साला उसमें भी टांग अड़ा दिया, साला कुत्ता। ये बाप और बेटे दोनों एक जैसे लग रहा है मेरे को। तुम रुको, तुमको तो बताता हूँ, कोचिंग जाओ तुम। दोस्त नहीं है मेरा? नहीं, पुलिस को मैंने वैसे इन्फॉर्म कर दिया है, पुलिस आती होगी तेरा इनकाउंटर तो यहीं करवाऊंगा बुड्ढे। लेकिन मैम मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। पुलिस आ गई। रघुवीर फारा पे कहाँ जा रहे बुड्ढे? साले तुझे तो मैं छोड़ूंगा नहीं, तेरे को मरवा के रहूंगी मैं। अबे भाग भाग भाग। अबे तू क्यों भाग रहा है? That's the point. वैसे भाग भी ले, क्यों मेरे से कौन बचाएगा तेरे को? तो साले अबे साले फिर भाग के।